अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह व्रत बच्चों की माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत में सर्वप्रथम अहोई माता का चित्र बनाएं या बाजार से मंगवा कर दीवार पर लगाकर पूजन करें तथा व्रत रखकर कहानी सुनें और कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें और पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याहू भी कहते हैं और उसमें चांदी के दो दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बाइना निकाल कर रख लें और सात दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला गले में पहन लें। जो बाइना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के दो दो दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई का उजमन होता है। एक थाली में सात जगह चार चार पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तिल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। वह तिल तो सासू जी रख लें और हलवे पूरी का बाइना बांट दें। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो बाइना निकालने के लिए भेज दें। कोई दीवार पर आटे से पोतकर गेरू से मांडे, कोई रंग मांडता हो तो सब तरह के रंग से मांड लें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके सात बेटे सात बहुएं और बेटी थी। सब मिट्टी लेने गईं तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। तब स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो छह भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरभि गाय की सेवा कर। सुरभि गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेंगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरभि गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया
तब वह बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता सात समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुण पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुण पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुण पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली सात समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुण पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याहू माता बोली आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याहू माता बोली तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे सात बेटे सात बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, सात कहाँ से होंगे? तब स्याहू माता बोली क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याहू माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर सात बेटे सात बहुएं मिलेंगी और सात उजमन करियो, सात मंडिया सात कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा सात बेटे सात बहू बैठी हैं, बहुत धन हो गया है। तो उसने सात होई मांडी, सात उजमन करे, सात कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जिठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं। मैंने बनवा ली, परंतु स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। जय अहोई माता।